झटपट बनने वाली रबड़ी की रेसिपी तो आपने बहुत बार देखी होगी और देखा होगा कि सभी लोग उसमें ब्रेड मिला देते हैं। ब्रेड से रबड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है, थोड़ा सा मैदे जैसे लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे हलवाई जैसी रबड़ी, वो भी झटपट। इसे बनाने में वैसे तो ट्रेडिशनली बहुत टाइम लगता है, पर आज हम इसे झटपट बनाएंगे। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। दूध को गैस पे हाई फ्लेम पे चढ़ा दीजिए और लगातार चलाते रहिए। इसी समय इसमें डाल दीजिए केसर थ्रेड। चलाते चलाते केसर थ्रेड का भी कलर अच्छे से आ जाएगा। साथ ही दूध को हमें 25% रिड्यूस करना है। जैसे ही दूध 25% रिड्यूस हो जाए, तब इसमें मिलाएंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर और दूध को इस तरह से मिक्स कर लीजिए और अब डाल दीजिए 25% रिड्यूस हो चुके दूध में और लगातार चलाते रहिए। मिल्क पाउडर डालने से रबड़ी बहुत जल्दी बन जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप कोई भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मिल्क पाउडर डालते ही दूध और गाढ़ा हो गया है और 25% और रिड्यूस हो गया है, मीन्स आधा ही रह गया है। इसी समय इसमें डाल दीजिए कटे हुए ड्राई फ्रूट। ये है इलायची पाउडर, इसमें ही मैं चीनी मिला दे रही हूँ। अब चीनी और इलायची पाउडर को भी गाढ़ा किए हुए दूध में डाल देना है। चीनी डालते ही ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। 1 से 2 मिनट और हाई फ्लेम पे कुक कर लेना है। रबड़ी तैयार है। जब इस तरह की हो जाए, फ्लेम को बंद कर दीजिए। अब आप चाहे इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या ठंडी। ठंडी रबड़ी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगती है। फ्रिज में रखने से ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख के आप इसे खा सकते हैं। वाओ, दिख रही है ना, बहुत ही स्वादिष्ट। इतनी आसान रबड़ी की रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है। ये रबड़ी हाई फ्लेम पे 10 से 12 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। कमेंट करके बताइए आप इसे कब बना रहे हैं। जब भी आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए, तब भी आप इसे बना सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन पे प्रेस करना ना भूलें। इतनी आसान रेसिपी को फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।